जय माता दी। इस वीडियो में हम केतु देव के तीसरे घर की बात करेंगे। तीसरे घर का केतु क्या फल देता है, क्या सावधानियां और क्या उपाय करने चाहिए, इन सभी चीज़ों की बात इस वीडियो में करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। जन्म कुंडली के तीसरे घर में अगर केतु देव बैठा हुआ हो तो सबसे पहले तो ये मंगल के फलों को खराब करता है। मंगल का एक तरह से पितर दोष बनाता है। भाइयों के साथ अगर मंगल खराब हो गया तो भाइयों के साथ बनने वाले तालमेल खराब होंगे। भाइयों के साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़े हर समय कभी भी संभव हो सकते हैं। ऐसे इंसान के स्वभाव के अंदर गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होगा। अगर केतु खराब राशि, खास करके मंगल की मेष या वृश्चिक राशि पर बैठा हो तो स्वभाव में गुस्सा बहुत ज़्यादा देता है। लड़ाई झगड़े आम जीवन में देखने को मिलते हैं और लड़ाई झगड़ों के ऊपर खूब पैसा भी खर्च करवाता है। यहाँ इस घर में बैठा हुआ केतु हो तो कहते हैं जन्म कुंडली में बुध और शुक्र कहीं भी बैठ जाए अपना बुरा फल देते हैं। बुध और शुक्र अगर खराब हो गए तो शुक्र क्या है, हमारा शारीरिक जोश वो खत्म होगा, आलस ज़्यादा रहेगा। आलस ज़्यादा होने के कारण कामों के अंदर डिले रहेगा, काम अच्छा नहीं चल पाएगा, सोर्स ऑफ इनकम अच्छा नहीं रहेगा, पत्नी बीमार रहेगी या उसके साथ हमेशा वाद विवाद चलता रहेगा, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। बुध भी खराब हो तो बिजनेस के अंदर दिक्कतें, हर कामों के अंदर रुकावटें, विघ्न, दिमागी तनाव, टेंशन, स्ट्रेस ये देखने को मिलेगा। बहनें परेशान रहेंगी या परेशानी का कारण बनेंगी, या साली ये भी बुध है तो उसके कारण या तो कोई ना कोई पंगा, दिक्कत, परेशानी या उनके साथ बनने वाले तालमेल ये भी खराब, और ससुराल पक्ष भी खराब करता है। ससुराल को के साथ बनने वाले तालमेल ये भी बिगाड़ देता है, लेकिन संतान के योग ठीक देता है, संतान का सुख भी जरूर देता है। तीसरे घर का केतु हो तो ऐसे लोग ज़्यादातर संभव है कि इनको अपने घर से दूर जाना पड़ता है। विदेश के अंदर जाके भी काफ़ी मेहनत, स्ट्रगल करने को मिलती है। अगर इंडिया में भी रहे, यानी कि अगर जहाँ पे जन्म हुआ है, अगर इंडिया में जन्म हुआ है, अगर अपने जहाँ जन्म हुआ है वहाँ भी रहे, तब भी इनके काम ऐसे होते हैं कि इनको घूम घूम के करने वाले काम करने पड़ते हैं, जो कि एक जगह बैठ के स्टेबल करने वाले काम नहीं होते। घूम घूम के करने वाले काम ऐसे लोगों के ज़्यादातर देखे गए, और कामों के अंदर मेहनत, स्ट्रगल बहुत देखने को मिलती है। केतु अगर खराब हो, इस घर में खराब ही माना जाता है, अगर नीच राशि या मंगल की राशियों में, दुश्मन की राशि में जाके बैठ जाए, केतु की महादशा या अंतरदशा के अंदर टांग टूट जाना, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी दिक्कतें, कमर रीढ़ की हड्डी को लेकर दिक्कतें, इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और कई बार तो टांग टूट के कई कई महीनों तक उसमें दिक्कत रहना, बेड रेस्ट पे चले जाना या हमेशा के लिए ही लंगड़ा करके चलना पड़े, या टांगों के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाए, या फोड़े फिंसियों जैसी परेशानियां देखने को मिले, ये कुछ भी संभव करवाता है। तो अगर शारीरिक कष्ट है, कमर, पांव, गुप्तांगे, फोड़े फिंसियां बहुत ज़्यादा निकल रही है, इस तरह की परेशानी है, तो ऐसे लोगों को सोना जरूर पहनना चाहिए और हर महीने के एक गुरुवार एक काला सफ़ेद कंबल दान देना चाहिए या मंदिर में देना चाहिए। और साथ ही ऐसे लोगों को रुपया पैसा, सुख समृद्धि और धन की बढ़ोतरी के लिए रोज़ केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना बहुत ज़रूरी है। रोज़ कुत्तों कौवों की सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। अपने सीधे कान में सोना भी ऐसे लोगों को जरूर पहनना चाहिए। शुक्र को अच्छा रखने के लिए चाल चलन जरूर अच्छा रखिएगा। चाल चलन खराब कर लिए शुक्र के फल हमेशा के लिए खराब होंगे। पत्नी, काम का सोर्स ऑफ इनकम सब कुछ खराब होगा। बुध के लिए छोटे छोटे कन्याओं को मीठा देके उनका आशीर्वाद लेते रहिए, और 48 दिन लगातार केतु इस उपाय से और भी अच्छा हो जाएगा। 48 दिन लगातार 3 केले मंदिर में जाकर के चढ़ाइए, जरूर लाभ होगा। और हाँ, केसर का तिलक लगाना नहीं भूलना, क्योंकि सबसे ठोस उपाय केसर का तिलक। शरीर पे सोना धारण करना, कान पे पहनिए, गले में पहनिए, लाभ होगा। गले में सोना नहीं पहन सकते, पीला सूती धागा भी पहन सकते हो। इसी तरह से हम और भी विषयों पर आपके साथ जुड़ेंगे। इजाजत दीजिए। जय माता दी।